जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, जो शुक्र देवता 7 मार्च 2024 बृहस्पतिवार के दिन सुबह 10:54 तक मकर राशि में थे, वो शुक्र देवता अब 10:55 पर, यानी 7 मार्च 2024 बृहस्पतिवार के दिन 10:55 पर मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाकर विराजमान होंगे। आप जानते हैं ना, शुक्र देवता भोग और विलास के कारक हैं, धन के कारक हैं, बहुत बड़े कारक हैं, रोमांस के बहुत बड़े कारक हैं, एक्टिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंप्यूटर इंजीनियर्स, वाइट गुड का जो बिजनेस करते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह का, वो सभी लोग, और जितने भी अकाउंटेंट होते हैं, जितने भी बैंकर्स होते हैं, वो सब शुक्र देवता की वजह से ही उस महत्वपूर्ण पद को प्राप्त कर पाते हैं, उस महत्वपूर्ण स्थान तक पहुंच पाते हैं जब शुक्र देवता की उन पर विशेष कृपा होती है। तो अब ये शुक्र देवता जब मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाकर विराजमान होंगे तो किस प्रकार से हम सबके जीवन को प्रभावित करेंगे, इसी की चर्चा करने के लिए, इसी बात को आपको डिटेल में समझाने के लिए कि किसको उनका ये मूवमेंट, मकर राशि से कुंभ राशि का जो मूवमेंट होगा उनका, वो किसको तो फायदा पहुंचाएगा, किसको हानि पहुंचाएगा, मतलब किस राशि वाले व्यक्तियों को बल्ले बल्ले करा देंगे और किस राशि वाले व्यक्तियों की थल्ले थल्ले करा देंगे। तो इस बात की मैं डिटेल में आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। उससे पहले कि मैं इस चर्चा को प्रारंभ करूं, मैं उन सभी व्यक्तियों को जिनका आज जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है या जीवन का कोई महत्वपूर्ण दिन है, उन सभी व्यक्तियों को इस शनि पीठ मंदिर की तरफ से, जहां इस शनि पीठ के पीठाधीश भगवान शनिदेव स्वयं उपस्थित हैं, उनकी तरफ से, अपनी तरफ से और स्वामी राज ऋषि की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की निरंतर वर्षा होती रहे, ऐसा आपके लिए मैं मंगल कामना करता हूं। जिस समय शुक्र देवता मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाकर विराजमान होने वाले हैं, उस समय आसमान में जो ग्रहों की स्थिति है वो किस प्रकार से है, मैं सबसे पहले उसके ऊपर आपकी डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, केतु महाराज कन्या राशि में विराजमान है, वक्री गति से चल रहे हैं। मंगल देवता अभी तक तो अपने उच्च के घर में विराजमान है, साथ ही साथ शनि देव जी अपने ही घर में विराजमान है मगर अस्त हैं। ध्यान रखिएगा, शुक्र देवता शनि देवता के साथ ही कुंभ राशि में विराजमान है और बुध देवता के साथ सूर्यदेव और राहु महाराज तीनों के तीनों मीन राशि में जाकर विराजमान होंगे। देखिए, स्थिति इस घर की बहुत खराब है। कारण क्या है, न मीन राशि का घर है, राहु वहां पहले से बैठे हुए थे, डस रहे थे मीन राशि को, अब सूर्यदेव आ गए तो सूर्यदेव को भी ग्रहण लगाएंगे, और बुध देव तो मीन राशि में वैसे ही नीच के हो जाते हैं, सूर्य और बुध को केतु महाराज भी डस रहे हैं, ग्रहण लगा रहे हैं। तो ये स्थिति निश्चित रूप से जहां जहां घटित हो रही है, अलग अलग कुंडली में अलग अलग जगह पर घटित होगी, मैं अभी उस सब की चर्चा करने जा रहा हूं। और साथ ही साथ चंद्र देवता और बृहस्पति देवता ये दोनों मेष राशि में जाकर विराजमान है इस समय पर, मगर ये एक अच्छा संयोग भी है। तो अब आज क्योंकि ये है स्थिति जो बन रही है, जिस समय शुक्र देवता कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं उस समय आसमान में वृष राशि उदय हो रही थी, तो सबसे पहले मैं आज वृष राशि यानी वृषभ राशि यानी टॉरस राशि वाले व्यक्तियों के बारे में चर्चा करूंगा कि उनको शुक्र देवता का यह राशि परिवर्तन, जो उनके खुद के स्वामी है, किस प्रकार से प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले हम उस विषय पर चर्चा करते हैं। तो वृषभ राशि वालों या टॉरस राशि वालों,
टॉरस जोडियाक साइन वालों या जिन्हें वृष राशि वाले भी कहते हैं, तो सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि शुक्र देवता आपके भाग्य से निकलकर कर्म स्थान पर जाकर विराजमान हुए हैं, जहां पर पहले से ही शनिदेव महाराज विराजमान हैं, जो शुक्र देवता के मित्र हैं, मगर साथ ही सूर्यदेव जो शुक्र देवता से दुश्मनी रखते हैं वो भी वहां पर जाकर विराजमान है। तो शुक्र देवता का यहां आना, मित्र के घर में आना, निश्चित रूप से आपके कार्य को प्रभावित करेगा। आप चाहे नौकरी करते हैं चाहे व्यापार करते हैं, आपकी राशि के स्वामी, आपकी लगन के मालिक अगर कर्म स्थान पर आके बैठेंगे तो निश्चित रूप से काम धंधे से आपको फायदा होगा, नौकरी में फायदा होगा, प्रमोशन के चांस बढ़ेंगे, इंक्रीजमेंट के चांस बढ़ेंगे, व्यापार में उन्नति के चांस निश्चित रूप से वृद्धि को प्राप्त करेंगे। तो ये आपके लिए शुक्र देवता का विशेष फल है जो आपको, क्योंकि शुक्र देवता यहां पर 31 मार्च तक रहने वाले हैं, 31 मार्च 2024 रविवार को 4:54 शाम तक यही विराजमान होने वाले हैं। तो ये जो फल है वो आपके लिए 31 मार्च तक लागू रहेगा। तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए शुक्र देवता की तरफ से शुभता प्रदान करने वाला शुभ फल है। हालांकि सेम टाइम पर राहु और बुध, क्योंकि वहां पर आपके साथ बैठे हुए, आपकी आमंदनी के भाव में बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अड़चन आमंदनी को लेकर आ सकती है, आमंदनी पर थोड़ा सा विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है कारण बुध और राहु की वजह से। तो वो सभी व्यक्ति जो अपने धन की वजह से, कर्जे की वजह से, व्यापार की वजह से, नौकरी की वजह से किसी न किसी रूप में परेशान है या किसी अन्य परेशानी की वजह से परेशान है, तो ऐसे सभी व्यक्ति बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क करके हर शनिवार को हमारे द्वारा जो शनिपीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में जो जनता दरबार लगाया जाता है, उस जनता दरबार में उपस्थित होकर निश्चित रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी परेशानियों के लिए छोटे छोटे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय प्राप्त कर सकते हैं जो साल में एक बार या 3 साल में सिर्फ एक बार करने होते हैं। तो अपने सभी खराब, कमजोर, पापी और आपको कष्ट देने वाले ग्रहों को ठीक करना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपने सभी ग्रहों को ठीक करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में लगातार आनंद, खुशियां, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती रहेगी। जय शनिदेव। बात करूंगा मैं मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, यानी जेमिनी जोडियाक साइन वाले व्यक्तियों के बारे में। जेमिनी जोडियाक साइन यानी मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, आपके जीवन में ये जो शुक्र देवता जो अभी तक अष्टम हाउस में बैठे हुए थे, आपको बदनामी दे रहे थे, आपके लिए परेशानी का सबब बने हुए थे, ये शुक्र देवता अब वहां से निकलकर 7 मार्च को जब कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो निश्चित रूप से ये आपका भाग्य का भाव है। और शुक्र देवता का भाग्य के भाव में आना, वो भी उनके मित्र के घर में आना, निश्चित रूप से आपके भाग्य को मजबूत करने वाला है। ऐसी परिस्थिति में आपको जो है शुभ फलों की प्राप्ति आपके भाग्य के मजबूत होने के कारण, आपके भाग्य में मित्र ग्रह के आने के कारण आपके भाग्य का भाव मजबूत हो जाएगा और मजबूत भाग्य का भाव निश्चित रूप से आपको धन संपत्ति, व्यापार में, नौकरी में लाभ प्रदान करने वाला होगा, आपके जीवन में खुशियां लाने वाला होगा। किंतु बुध और राहु का कर्म भाव में आकर बैठ जाना नौकरी या व्यापार में अलग तरीके से कहीं रुकावट भी ला सकता है,
शुक्र देवता की वजह से नहीं, वो बुध देवता और राहु की वजह से संभव होगा। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो अपनी नौकरी को लेकर, अपने व्यापार को लेकर परेशान हैं, दुखी हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, या मिल रही है तो आप सेटिस्फाइड नहीं है, या आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है और आपको समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं मैं क्या ना करूं, ऐसी किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं मोबाइल नंबर्स, उन नंबरों पर मुझसे फेस टू फेस 1-on-1 बात करें, अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या स्वामी राज ऋषि का अपॉइंटमेंट लेकर उनसे वीडियो कॉल पर या पर्सनली मिलकर हमसे आप अपने जीवन में सभी प्रकार के जो परेशानियां हैं उन सभी प्रकार की परेशानियों के बारे में निसंकोच चर्चा कर सकते हैं, और उन परेशानियों को दूर करने के लिए छोटे छोटे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय जो साल में एक बार करने होते हैं या 3 साल में एक बार करने होते हैं, ऐसे उपायों को करके अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, आप अभी करिए ना। और साथ ही साथ आप लोगों की सुविधा के लिए जब शुक्र देवता भाग्य भाव में आ ही रहे हैं, तो ये जो शुक्र देवता है ये शादी के एक बहुत बड़े कारक ग्रह हैं, और जब शादी की बात चल रही है तो इस शनि पीठ के पीठाधीश भगवान शनि देव ने आप सभी लोगों के लिए, जो लोग शादीशुदा नहीं है, शादी करने का प्रयास कर रहे हैं, या उनके माँ बाप के द्वारा उनकी शादी का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च करी है, जिस वेबसाइट का नाम है www.marriagebiodata.app। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप एक खूबसूरत सा मैरिज बायोडेटा बना सकते हैं, भगवान शनिदेव का आशीर्वाद लेकर आपके अपने जीवन के इस चरण का प्रारंभ कर सकते हैं, ताकि भगवान शनिदेव आपके किसी भी शादी के रास्ते में विघ्न बाधा ना खड़ी करें। और साथ ही साथ अपने से, मतलब आपकी जो कल्पना है अपने जीवन साथी को लेकर, उस कल्पना को साकार करने के लिए और एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए कि इंप्रेसिव बायोडाटा बनाना बहुत आवश्यक होता है। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने लिए एक शानदार मैरिज बायोडाटा बना सकते हैं, और उन सभी प्रोस्पेक्टिव जीवन साथियों को भेज सकते हैं जो आपके योग्य हैं, जिनमें आप संभावना तलाश रहे कि अगर ये व्यक्ति मेरा जीवन साथी बन जाए तो मेरे लिए बहुत उत्तम रहेगा, तो आप ऐसा प्रयास कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सुविधा शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली द्वारा आपको प्रदान की जा रही है www.marriagebiodata.app के माध्यम से। जय शनिदेव। हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क राशि वाले यानी कैंसर जोडियाक साइन वाले व्यक्तियों के बारे में, कि कैंसर यानी कर्क राशि वाले व्यक्तियों को शुक्र देवता जो उनके लिए अभी तक जीवन साथी के भाव में बैठकर आनंद प्रदान कर रहे थे, जीवन साथी का सुख प्रदान कर रहे थे, वो शुक्र देवता वहां से निकलकर अब अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, और उनका अष्टम भाव में प्रवेश करना निश्चित रूप से आपके लिए कहीं ना कहीं बदनामी का कारक बन सकता है। सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। साथ ही साथ राहु का बुध के साथ मीन राशि में जाकर भाग्य में बैठना आपको परेशान कर सकता है, आपके भाग्य को बाधित कर सकता है, क्योंकि दो दो ग्रह आपको परेशान करने के लिए आपके भाग्य में जाकर जब विराजमान होंगे, और उधर आपके शुक्र देवता अष्टम भाव में परेशान करने के लिए खड़े होंगे, बदनामी देने के लिए खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से आपके इसलिए समस्याएं और अधिक बढ़ने वाली हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और
ऐसे सभी कार्यों से बचने का प्रयास करिए जिससे आपको बदनामी मिलने की संभावना बनती हो। साथ ही साथ मैं उन सभी व्यक्तियों से, चाहे वो कर्क राशि के हैं या किसी भी अन्य राशि के हैं, अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं, अपने खराब ग्रहों की वजह से, अपनी कुंडली में जो ग्रह पापी हो गए हैं या जो ग्रह नीच के हैं या जो ग्रह अस्त हो रखे हैं या जो ग्रह कमजोर हैं, उनकी वजह से उनको अपने जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में हर शनिवार को और हर शुक्रवार को जो जनता दरबार लगाया जाता है, उस जनता दरबार में आकर गुरुजी से यानी मुझसे या स्वामी राजऋषि से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जन्म कुंडली दिखाकर, ध्यान रखिएगा मेरी जो जन्म कुंडली देखने के 1-to-1 फेस टू फेस जो चार्जेज हैं वो 6,000 रुपये हैं, जबकि स्वामी जी जो चार्ज लेते हैं वो 3,000 रुपये प्रति जन्म कुंडली देखने का चार्ज लेते हैं फेस टू फेस 1-to-1। लेकिन इस फ्री जनता दरबार के माध्यम से जो व्यक्ति शुक्रवार को या शनिवार को शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में आएंगे, उन सभी व्यक्तियों को हम यह सुविधा, उनकी जन्म कुंडली देखकर या उनकी परेशानियों के लिए जो उपाय बताने की सुविधा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान करेंगे, ऐसा हम आपको वचन देते हैं। तो देर मत करिएगा, अभी फोन करिएगा और अपना टाइम बुक करिएगा शनिवार या शुक्रवार के लिए, ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जय शनिदेव। बात करूंगा मैं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्तियों, जो शुक्र देवता अभी तक बीमारी के भाव में बैठे हुए थे आपके लिए, वो वहां से निकलकर आपके सप्तम भाव में जाकर विराजमान होंगे। तो जहां जो शुक्र देवता विभिन्न प्रकार की इंपोटेंसी की परेशानी दे रहे थे, नाबर्दानगी की प्रॉब्लम दे रहे थे, या लेडीज को फीमेल डिसऑर्डर यानी विभिन्न प्रकार की स्त्री जनित रोगों को जनरेट कर रहे थे, वो शुक्र देवता अब जब आपके जीवन साथी के घर में जाकर विराजमान होंगे, तो आपको जीवन साथी से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के सुखों में वृद्धि करेंगे। जिनको अभी तक ये सुख नहीं मिला उनको भी सुख प्रदान करेंगे। तो जीवन साथी के साथ एक अच्छा समय आप गुजार पाएंगे, प्रेम और रोमांस का एक अच्छा समय और संयोग उनके साथ व्यतीत होगा, ऐसी व्यवस्था शुक्र देवता ने आप सभी सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए 7 मार्च से लेकर 31 मार्च के तक के लिए विशेष रूप से प्रदान की है। तो सिंह राशि वालों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि राहु और बुध देवता, जिसमें बुध देवता नीच के हैं और राहु जो है वो भी मीन राशि में विराजमान है, और वो दोनों के दोनों अष्टम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस बारे में जरूर सावधान रहिए कि इन दोनों की वजह से आपको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। फिर भी जो व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियों से, अपने खराब ग्रहों की वजह से, अपने कमजोर ग्रहों की वजह से, या इनको ये शुभ फल नहीं मिल पा रहे हैं जो हमने उनसे अभी चर्चा की है, या अन्य ग्रह में चर्चा करी, अगर उनको मिल ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि आपको आपके धन के भंडार भरेंगे, मगर वहां तो आपको पता चला आप तो कंगाली से जूझ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं हमारे, उन नंबरों पर बिना किसी झिझक के एक अपॉइंटमेंट बुक करिए, या तो मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कराइए या स्वामी राजऋषि के लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कराइए, और हमें आपकी जन्म कुंडली का, और अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आपका चेहरा देखकर हम आपकी जो परेशानियां हैं उनको निसंदेह धीमे धीमे करके दूर कर देंगे। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के वो उपाय होंगे जो हमारे महान संतों ऋषि मुनियों ने अपनी घनघोर तपस्या के बाद प्राप्त किए थे, और बाद में जाकर वो हमारे धर्म ग्रंथों में अंकित हुए, उन्हीं उपायों के माध्यम से
हम आपकी भरपूर मदद करेंगे आपके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की वर्षा लाने में। तो देर मत कीजिए, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी फोन मिलाइए और मेरा या स्वामी राजऋषि का अपॉइंटमेंट बुक करिए, ताकि हम आपके जीवन में आपकी परेशानियों को दूर करने के काम आ सकें। जय शनिदेव। बात करूंगा मैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि यानी वर्गो जोड़ियाक साइन वाले व्यक्तियों की बात कर रहा हूं। यहां वर्गो जोड़ियाक साइन वाले व्यक्तियों, ये शुक्र देवता जो अभी तक आपकी एजुकेशन वाले खाने में बैठे हुए थे, आपकी संतान वाले खाने में बैठकर आपको संतान प्रदान कर रहे थे, आपको संतान का सुख प्रदान कर रहे थे, या प्रेम और रोमांस के खाने में बैठकर आपको प्रेम और रोमांस के नए नए झूले झुला रहे थे, वो शुक्र देवता अब वहां से निकलकर बीमारी के खाने में जाकर बैठेंगे। अब शुक्र देवता का बीमारी के घर में जाकर बैठना, तो निश्चित रूप से पुरुषों को तो शुक्र देवता की जो बीमारी है वो इम्पोटेंसी से संबंधित बीमारियां होंगी, स्त्रियों को स्त्री जनित रोग देंगे, तो ये तो कहीं भी शुभ फल नहीं प्रदान कर रहे हैं। और ऊपर से राहु और यहां बुध का मीन राशि में जाकर सप्तम हाउस में विराजमान होना अगेन एक नई तरह की प्रॉब्लम आपको प्रदान करेगा। तो ऐसी स्थिति में जब आप विभिन्न प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं और वो परेशानियां बढ़ रही हैं, तो भाई क्यों नहीं आप शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में हर शुक्रवार और हर शनिवार को लगने वाले जनता दरबार में आकर मुझसे या स्वामी राजऋषि से अपनी परेशानियों के बारे में क्यों चर्चा नहीं करते हैं, क्यों नहीं डिस्कस करते हैं जनता दरबार में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां मैं अपनी फीस 6,000 रुपए लेता हूं वहां मैं जनता दरबार में आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं करता, जहां स्वामी जी 3,000 रुपए फीस लेते हैं वहां जनता दरबार में 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते, तो फिर दिक्कत क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों के माध्यम से हम आपकी हर परेशानियों में, चाहे वो परेशानी किसी भी ग्रह से संबंधित, किसी भी प्रकार की आपको कष्ट दे रहे हो, उन परेशानियों को समझकर, चाहे आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से, और जन्म कुंडली की डिटेल ही अगर आपके पास नहीं है तो आपका चेहरा देखकर आपकी परेशानियों को समझकर आपको मदद करने का भरपूर प्रयास करेंगे और आपके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की वर्षा लेकर आएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर देर क्या है? जनता दरबार के लिए, चाहे शुक्रवार के जनता दरबार के लिए, चाहे शनिवार के जनता दरबार के लिए, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी फोन करके अपॉइंटमेंट बुक कराइए, जनता दरबार का फ्री अपॉइंटमेंट। जय शनिदेव। बात करूंगा मैं तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्तियों, आपके जीवन में जो शुक्र देवता अभी तक चतुर्थ भाव में बैठे हुए थे, वो वहां से निकलकर पंचम भाव में जाकर विराजमान होंगे, और पंचम भाव है विद्या का भाव, बुद्धि का भाव, रोमांस का भाव, प्रेम का भाव, संतान का भाव, तो निश्चित रूप से वो यहां आकर आपको रोमांस के झूले झुलाएंगे, संतान प्रदान करेंगे, और जो व्यक्ति एजुकेशन ले रहे हैं उनको एजुकेशन में मदद प्रदान करेंगे, स्पेशली जो अकाउंट्स या कंप्यूटर साइंस के लोग हैं उनको बहुत हेल्प करेंगे इसमें। साथ ही साथ राहु और बुध का बीमारी के घर में जाकर बैठना निश्चित रूप से आपको स्किन से संबंधित डिसीज देगा, विभिन्न प्रकार की परेशानियां खड़ी कर देगा इसके डिसीज को लेकर, या स्वाद कलिकाओं को लेकर, या टॉन्सिल्स को लेकर, या वाणी से संबंधित, वॉइस से संबंधित प्रॉब्लम को लेकर आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा, खाज खुजली जैसी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपको परेशान करके रख देगा। तो सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, और जो व्यक्ति अपने जीवन में इस सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं कि शुक्र देवता आए हैं पंचम भाव में और हमें किसी प्रकार का सुख का अनुभव नहीं हो रहा, जो युवक युवतियां हैं उनको कहीं प्रेम इत्यादि का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा,
उनके जीवन में रोमांस नहीं कहीं इनपुट हो रहा, तो ऐसी स्थिति में अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर मुझसे या स्वामी राजऋषि से वीडियो कॉल की एक अपॉइंटमेंट बुक करें, फेस टू फेस वन टू वन बात करें, और चाहे तो आप यहां आकर पर्सनली हमसे मिल सकते हैं और अपनी सभी प्रकार की परेशानियों के बारे में हमसे डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, और हर परेशानी के लिए, हर मुसीबत के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करके, जो साल में एक बार या तीन साल में सिर्फ एक बार करना होता है, उन उपायों को करके अपने जीवन में खुशियों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी फोन कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कराइए, चाहे तो पर्सनली मिलने का, चाहे वीडियो कॉल पर बात करने का। जय शनिदेव। Namaste. My name is Kiran and I'm from South Africa. My experience with Guru Rajneesh Rishiji was when I was going through troubled times. This was way back in 2013. That's when I came across Guru Rajneesh Rishiji's website, and he gave me everything in detail, and with his blessings I was able to go forward, and afterwards a lot of problems were solved. प्रिय भक्तगणों, अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो शुक्र देवता अभी तक उनके जीवन में तृतीय भाव में बैठकर, उनकी हिम्मत के भाव में बैठकर, उनके भाई बहनों के घर में बैठकर उनको लाभ पहुंचा रहे थे, वो शुक्र देवता वहां से निकलकर अब माता के घर में प्रवेश करेंगे, आपके मकान के ऊपर जाकर प्रवेश करेंगे, आपके वाहन के ऊपर जाकर प्रवेश करेंगे, और उनका मकान के ऊपर आना, वाहन के ऊपर आना, या माता के पास आना निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद प्रदान करने जैसा है। क्यों? क्योंकि शुक्र देवता तो कारक हैं वाहन के, वाहन सुख शुक्र देवता के बिना नहीं मिलता है। माता का आशीर्वाद भी शुक्र देवता दिलाएंगे तो जीवन में बहुत सारी तरक्कियां करेंगे, तो माता का सुख प्राप्त कराएंगे, और साथ ही साथ अगर आप अपना फ्लैट खरीदते हैं, अपना मकान खरीदते हैं, या उसमें इंटीरियर वगैरह कराएंगे, तो शुक्र देवता निश्चित रूप से वहाँ बहुत प्रभावी होते हैं, तो ऐसा मौका आपको प्रदान करेंगे, यानी लग्जरी प्रदान करेंगे आपके घर के अंदर, चाहे वो फर्नीचर फिक्चर्स के रूप में हो, कोई आइटम के रूप में हो, या मकान के इंटीरियर डेकोरेशन के रूप में हो, चाहे वो कार के रूप में हो, चाहे माता के सुख के रूप में हो। तो ऐसी स्थिति में ये जो 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का जो समय है, वो निश्चित रूप से आपके लिए कहीं ना कहीं सुख प्रदान करने वाला है, लाभ प्रदान करने वाला है। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो निश्चित आप जान लीजिए आपके ग्रह बहुत ज़्यादा खराब हैं, और अगर बहुत ज्यादा ग्रह खराब है तो जब तक आप उनको ठीक नहीं करेंगे तो आप अच्छे ग्रहों का भी फल नहीं प्राप्त कर सकेंगे, और खराब ग्रह तो आपको परेशान और दुखी, दरिद्रता और दुर्भाग्यशाली बना ही रहे हैं। लेकिन जो आपके अच्छे ग्रह हैं वो भी अपना फल प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि जो खराब ग्रह वो इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि वो अच्छे ग्रहों को भी फल नहीं प्रदान करने देते। तो इस स्थिति से बचने के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन पर फोन करिए, मेरा या स्वामी राजऋषि का एक वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट बुक कराइए, फेस टू फेस पर्सनली आकर, या फिर वीडियो कॉल पर वन टू वन एक पर्सनल अपॉइंटमेंट लीजिए, जहां पर हम आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे, और अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आपका चेहरा देखकर प्रश्न कुंडली बनाकर आपकी परेशानियों के उपाय वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बताएंगे, और उन उपायों को करने से धीमे धीमे आपकी जिंदगी में सुख शांति और सौभाग्य की निरंतर वर्षा होने लगेगी। तो इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए देर मत करिए, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी कॉल करिए।
जय शनिदेव। बात करूंगा मैं धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, यानी सेगिटेरियस जोडियाक साइन वाले व्यक्तियों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। तो सेगिटेरियस जोडियाक साइन वाले व्यक्तियों यानी धनु राशि वाले व्यक्तियों, आपके जीवन में जो शुक्र देवता आपके कुटुंब वाले घर में अभी तक बैठे हुए थे 7 मार्च को, वो वहां से निकलकर 7 मार्च को ही आपकी हिम्मत वाले घर में जाकर विराजमान होंगे। और शुक्र देवता जब वहां से हिम्मत वाले घर में जाकर विराजमान होंगे, तो निश्चित रूप से आपकी बहनों की वजह से या आपके जीवन में जो विभिन्न प्रकार की फीमेल्स फ्रेंड हैं उनकी वजह से आपकी हिम्मत में बहुत अधिक वृद्धि होगी और आप समर्थ हो सकेंगे अपने आप ही बहुत सारी सुख और सौभाग्य को प्राप्त करने का। यहाँ आपकी बड़ी बहनों का या छोटी बहनों का साथ और आशीर्वाद आपके बहुत काम आएगा और आपको समुचित सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। किंतु ध्यान रखिएगा, माता के घर में, वाहन वाले घर में, आपके मकान में राहु का जाकर बैठ जाना और वो बुध का मीन राशि में जाकर वहां पर प्रवेश करना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके जीवन में अड़चन प्रदान करेगा। माता के सुख के रूप में अड़चन आएगी, माता के सुख में, या आपके वाहन को प्रॉब्लम आएगी या आपके मकान पर कोई परेशानी आ सकती है। सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। किसी भी परेशानी की स्थिति में बिना किसी झिझक के हमारे शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में हर शुक्रवार को और हर शनिवार को जो फ्री जनता दरबार लगाया जाता है, जहां पर हम आपकी सभी प्रकार की परेशानियों के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों के माध्यम से आपकी मदद करते हैं उन उपायों को बताकर, तो उन उपायों को अपनाने से निश्चित रूप से आपकी परेशानियां धीमे धीमे करके दूर होंगी और आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा निरंतर प्राप्त करते रहेंगे। तो फिर देर किस बात की है, ये फ्री अपॉइंटमेंट है। नॉर्मली मैं 6,000 रुपये फीस लेता हूँ एक जन्म कुंडली देखने की, जबकि स्वामी जी 3,000 रुपये फीस लेते हैं एक जन्म कुंडली देखने की। मगर आने वाले शुक्रवार को और आने वाले शनिवार को फ्री जनता दरबार के माध्यम से हम आपकी मदद करने जा रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अपना फ्री जनता दरबार का अपॉइंटमेंट बुक कराइए और आकर हमसे मिलिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। जय शनिदेव। बात करूंगा मैं मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मकर राशि वाले व्यक्तियों, जो शुक्र देवता आपके सिर पर विराजमान थे, अब सिर पर विराजमान थे तो आपने देख लिया भूत चढ़ा हुआ था आपके विपरीत सेक्स के अट्रैक्शन का, अब वो वहां से निकलकर कुटुंब वाले खाने में जाके विराजमान होंगे। तो निश्चित रूप से जब वो कुटुंब वाले खाने में जाकर विराजमान होंगे तो कुटुंबजनों से, विशेषकर कुटुंब की स्त्रियों से, फीमेल सदस्यों से आपको लाभ प्रदान कराएंगे। और फीमेल सदस्य तो मेल के लिए और फीमेल के लिए मेल सदस्यों से लाभ प्राप्त होगा। तो ये जो स्थिति बन रही है कुटुंबजनों की, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों से लाभ प्राप्त होगा, ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी है। तो इस स्थिति का भरपूर फायदा उठाने का प्रयास करें। शनिदेव जी भी साथ ही हैं, वो भी लाभ प्रदान करा रहे हैं आपको। किंतु आपकी हिम्मत को तोड़ने के लिए मीन राशि में राहु के साथ बुध देवता जाकर विराजमान हो रहे हैं, उनसे जरा सतर्क रहिएगा। ऐसी कोई हिम्मत करने का प्रयास मत करिएगा जो आपको विपरीत फल देने वाली हो। जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। किंतु अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके खराब ग्रहों के कारण, आपके नीच के ग्रहों के कारण, आपके अस्त ग्रहों के कारण या आपके कमजोर ग्रहों के कारण आपके जीवन में आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप बिना किसी झिझक के हमारे शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर आकर मुझसे या स्वामी राज ऋषि से पर्सनली मिल सकते हैं या स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वीडियो कॉल का एक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं घर बैठे ही।
और पूरी दुनिया में कहीं बैठकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को धीमे धीमे करके दूर कर सकते हैं। छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपायों के द्वारा वो उपाय जो हमारे महान संतों ऋषि मुनियों ने अपनी घनघोर तपस्या के बल पर अर्जित किए थे, उन उपायों से आप लाभ उठा सकते हैं। जय शनिदेव। बात करता हूं मैं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। अब कुंभ राशि वालों, ये शुक्र देवता तो आप ही के सिर पर जाकर विराजमान हो गए। अब शुक्र देवता का सिर पर विराजमान होना विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण को बहुत ज्यादा जागृत कर देता है। अब जितने शुक्र देवता मजबूत होंगे उतना ही ज्यादा जागृत करेगा, यानी उनकी जितनी ज्यादा डिग्री के होंगे उतना ही ज्यादा जागृत करेगा। तो अभी तो क्योंकि स्टार्ट हुआ है 7 मार्च से, तो 31 मार्च तक जाके वो 30 डिग्री पे पहुंचेंगे, यानी बीच में अब आपको धीमे धीमे उस तरफ को अट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे। सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, कहीं ऐसा गलत कार्य ना हो जाए आपसे, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपके कुटुंब में जाकर राहु महाराज जाकर विराजमान हो रहे हैं, साथ में नीच के बुध भी वहां पर साथ में ये मीन राशि के अंदर, तो ये कुटुंबजनों से कहीं ना कहीं अड़चन परेशानियां का कारक बना देगा। मित्रजनों से आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी, परेशानियों से सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। अगर आपसे ये संभव नहीं हो पा रहा है तो परेशान मत होइएगा। हमारे शनिपीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर यहाँ पर हर शुक्रवार को और शनिवार को लगने वाले फ्री जनता दरबार में, यहाँ पर हम आपकी जन्म कुंडली देखकर या आपकी परेशानियों के माध्यम से आपका चेहरा देखकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो छोटे से उपाय बताते हैं वो आपके लिए काफी लाभदायक रहेंगे। उन उपायों को करके आप अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख शांति और सौभाग्य की धीमे धीमे वर्षा प्राप्त कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, आने वाले शुक्रवार और आने वाले शनिवार के लिए फ्री जनता दरबार के लिए जो भगवान शनिदेव के आदेश के अनुसार यहाँ लगता है, अभी अपॉइंटमेंट बुक कराइए ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जय शनिदेव। बात करूंगा मैं मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मीन राशि वाले व्यक्तियों, जो शुक्र देवता अभी तक आपके आमंदनी के भाव में विराजमान थे, वो शुक्र देवता वहां से निकलकर अब आपके खर्चे वाले घर में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से विपरीत सेक्स के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा। हालांकि आपको उस सुख का भी आनंद मिलेगा जो विपरीत सेक्स के साथ होता है। तो ये नैतिक हो या अनैतिक हो, कहीं ना कहीं तो खर्चे आपको करने ही पड़ेंगे। हालांकि वहीं पर शनिदेव जी बैठे हैं जो बता रहे हैं कि मैं आपको शुभ फल नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो तो जेल का भाव में बैठे हुए हैं। तो सावधान रहिएगा, कोई ऐसा कार्य ना हो जाए कहीं कोर्ट कचहरी या जेल का चक्कर लगाना पड़ जाए। थोड़ा सावधान रहिएगा, कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचिएगा, कहीं मुसीबत आपके ही गले आके ना पड़ जाए। और अगर आप मुसीबत में फंसने का इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो अपने ग्रहों को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि इस सृष्टि में अगर एक पत्ता भी हिलता है तो बिना ग्रहों की मर्जी से नहीं हिलता। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ अपने अपने लोक में विराजमान हैं। इस सृष्टि की जो, इस पृथ्वी की जो सत्ता को संचालित करते हैं ये नवग्रह देवता करते हैं। और अगर ये आपकी जन्म कुंडली में खराब होकर बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको अशुभ फल प्रदान करेंगे। तो इन ग्रहों को जो खराब होकर बैठे हुए हैं, कमजोर हैं, अस्त हैं या खराब दृष्टि से आपको देख रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, जैसा मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, तो इस स्थिति से बचने के लिए आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर फोन करके मेरा या स्वामी राज ऋषि का पर्सनल वीडियो कॉल का एक अपॉइंटमेंट बुक कराइए, ताकि हम आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन कर आपकी परेशानियों को दूर करने के छोटे छोटे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय आपको बता सकें, जिनको अपनाने से धीमे धीमे करके आपके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की वर्षा होगी। दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य आपसे धीमे धीमे करके दूर हट जाएगा।
तो देर किस बात की है, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी फोन करें और अपॉइंटमेंट बुक कराएं। जय शनिदेव। बात करूंगा मैं मेष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मेष राशि वाले व्यक्तियों, जो शुक्र देवता अभी तक आपके कर्म स्थान पर बैठे हुए थे, वो वहां से निकलकर 7 मार्च से 31 मार्च के लिए आपकी आमदनी के घर में, आपके धन के भंडारों में, आपकी तिजोरी में आकर विराजमान हो रहे हैं। और शुक्र देवता का आपकी तिजोरियों में आकर बैठना निश्चित रूप से आपके धन धान्य के भंडारों में वृद्धि प्रदान करता है। तो ये शुभ अवसर है आपके लिए धन को संचित करने का, धन को इकट्ठा करने का, धन को जमा करने का। इस शुभ अवसर का आप भरपूर लाभ उठाइए ताकि धन के भंडारों में निरंतर आपकी वृद्धि हो सके और जरूरत पड़ने पर वो धन आपके घर परिवार में काम आ सके। इस मौके को जो 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का ये विशेष अवसर है, यहाँ पर शनिदेव जी भी तिजोरी में जाकर विराजमान है, शुक्र देवता भी तिजोरी में जाकर विराजमान है और सूर्य देवता भी आपके धन के भंडारों में जाकर विराजमान है। तो इस शुभ अवसर को कैश करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर कोई अड़चन आ रही है, कोई परेशानी आ रही है और आपको लग रहा है आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर आप हर शनिवार और शुक्रवार को हमारे शनिपीठ मंदिर पर जो 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में स्थित है, वहां पर जो जनता दरबार फ्री लगाया जाता है, जिसमें हम आप लोगों की जन्म कुंडली को देखकर, आपकी परेशानियों को देखकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय आपको सजेस्ट करते हैं, जो निसंदेह आपकी परेशानियों को दूर करने के काम आते हैं। तो आप आने वाले शुक्रवार को या आने वाले शनिवार को जनता दरबार के माध्यम से मुझसे, यानी गुरु रजनीश ऋषि से या स्वामी राज ऋषि से आमने सामने बैठकर अपनी परेशानियों को बता सकते हैं और वैदिक उपाय अपनी परेशानियों के लिए जान सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जबकि हम लोग एक सिंगल जन्म कुंडली को देखने के लिए मैं 6,000 रुपये फीस चार्ज करता हूँ, फेस टू फेस 1-to-1 बात करता हूँ और आपकी सारी परेशानियों के बारे में डिस्कशन करता हूँ। वो 6,000 रुपये की फीस आपकी बच जाती है जनता दरबार में आने से, जो कि शुक्रवार को भी लगता है और शनिवार को भी लगता है। आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर जनता दरबार में अपना अपॉइंटमेंट तुरंत बुक कराएं। जय शनिदेव।